aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanma. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere Welcome back, Mr. Murat. अकेले में फॉर्मालिटी की जरूरत नहीं है. कैसे हो? जैसे छोड़कर गए थे. कंपनी या घर? घर. कौन सा घर? हमारा घर. मुझे पता था. फिर पूछ क्यों रहे हो? ये जिंदगी है, कुछ कह नहीं सकते. मुझे लगा आप में भी कुछ चेंज आया होगा. जिंदगी में इंसान भले ही कितना ही चेंज हो जाए, उसे अपनी फैमिली को कभी नहीं भूलना चाहिए. चलो, वो लोग नाश्ते के लिए इंतजार कर रहे होंगे. सपना देख रही हूँ और सपने में ऑमलेट की अच्छी खुशबू आ रही है. नहीं, सपना नहीं है, मुझे भी खुशबू आ रही है. मुझे लगा हमें सच में सरप्राइज मिलने वाला है. सरप्राइज के लिए कोई घर पर होना चाहिए. क्या फिर ऑमलेट कौन बना रहा है? ये तो मॉम के ऑमलेट जैसा लग रहा है. बिल्कुल वही खुशबू. बहुत टेस्टी ऑमलेट बनाते हैं वो. नाश्ता तैयार है, चलो जल्दी उठो. और मेरी मॉम जैसी आवाज है.
मॉम, ये तो मेरी मॉम है। मॉम आप यहाँ क्या कर रही हैं? उठो आलसी महारानियों। आप यहाँ कब आई मॉम? सुबह 6 बजे। अरे आप कबट क्यों खोल रही हैं? सामान बांध रही हूँ। पर क्या हुआ है आंटी? इसके पापा ने कहा बहुत हुआ, इसे वापस लाने को कहा है और हम पापा की बात टाल नहीं सकते, समझ गई? उनका कहना है स्कूल खत्म हुआ है, जॉब भी नहीं मिल रही, तो घर वापस आ जाओ। उन्होंने कहा कि कॉलेज खत्म हुई है फिर भी वापस नहीं आ रही है। ये मैं नहीं, पापा कह रहे हैं। ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने नहीं, पापा ने कहा है। क्या आपसे ये सब पापा ने कहा? पर उन्होंने मुझे तो फोन पे कुछ नहीं कहा था। कितनी भोली हो तुम, मेरी प्यारी बेटी। तुम्हें लगता है वो तुम्हें ये सब कहेंगे? मेरे कंधे पे बंदूक रख रहे हैं, तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, सब कुछ मुझसे करवाएंगे। यू आर मोस्ट वेलकम आंटी, गुड बाय हयात। पकड़ो इसे, रेडी हो जाओ। क्या कहते हो, सख्ती से पेश आना चाहिए या इसे बख्श देना चाहिए? सीधे अटैक करना चाहिए या इसे पीछे से ठोक देना चाहिए? जाने दो उसे। क्या कह रहे हो, हम वापस नहीं मुड़ सकते? हम उसे जाने देंगे। तुम आखिर कब बड़े होगे? हाँ, इस तरह का बचपना कब छोड़ोगे? तुम्हारी कारें बड़ी हो गई पर तुम नहीं हुए। एक बड़ा भाई एक घर के लिए काफी है। आज जिस हालत में हूँ ठीक ही हूँ। वेलकम भाई। शुक्रिया मिस्टर दोरुख, हमारे पास और भी तरीके थे। करीम एक बार जान लो, जिंदगी बहुत बेरहम है, एक हमला हुआ और सब कुछ बदल जाता है। क्या बात है भाई, आपने अंकारा को हरा दिया, सरसिलमाज खानदान को राजधानी में सबसे ताकतवर बनाया। हाँ कुछ ऐसा ही समझो। वैसे तुम बताओ यहाँ पर सब कैसा चल रहा है? हाँ आज मीटिंग है याद है ना? देखो मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता पर बहुत ही थका देने वाली रात थी। हालांकि आपके अंकारा के परफॉर्मेंस जैसी तो नहीं थी पर भाई मुझे यहाँ कुछ काम निपटाने थे और मुझे लगता है कि आज मैं सारा दिन सोने वाला हूँ। ये बहाने नहीं चलने वाले, तुम्हारे पास आधा घंटा है, हम ऑफिस जा रहे हैं। इस घर में सर मुझ पर ही जुल्म ढाए जाते हैं। वेलकम सर। भूलना मत सिर्फ आधा घंटा। हाँ पर हमारी दादी माँ की पूछताछ आधे घंटे में खत्म नहीं होने वाली। कैसी हो दादी जान? कहाँ थे इतने दिन बरखुरदार? जानती है ना बिजनेस के सिलसिले में अनकारा गया था। हाँ जानती हूँ, इतनी भी बुढ़ी नहीं हूँ मैं। लेकिन ये बताओ इतना वक्त क्यों लगा तुम्हें लौटने में? अब फिर से शुरू हो गई? हाँ मुझे ताजुब होता अगर तुम अंकारा में अपने लिए दुल्हन ढूंढते और मुझसे छुपा के रखते छुपे रुस्तम की तरह। देखो अगर वो अंकारा से है तो मुझे कोई एतराज नहीं, वहाँ की लड़कियाँ अच्छी होती हैं। मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें कहाँ है बताओ? बस खूबसूरत होनी चाहिए और पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए, बुजुर्गों की इज्जत करती हो, ऐसी लड़की जो घर को संभाले, खानदान को वारिस दे, बस इतनी ही तो ख्वाहिश है मेरी और क्या। मैं वहाँ पर बस बिजनेस के लिए गया था। ओके अब मेरी छोड़िए, अपनी सुनाइए, सब ठीक तो है ना? कैसे होगा बेटा,
मैं उस औरत के साथ एक ही छत के नीचे कैसे ठीक रह सकती हूँ? दादी जान वो सुन लेंगी। है गलत कहा क्या? आप भी ना। मेरी इस पोते को दादी कभी कभी याद आती है। डरिया। हाँ बोलो। तुम थोड़ा जल्दी तैयार नहीं हो सकती थी डरिया? तुम कहना चाहते हो कि मैं बड़ी आलसी हूँ? तैयारी तो हो रही हूँ। थोड़ा जल्दी करो डरिया, मुराद कब का पहुँच गया होगा। तो अरे वो कितने दिनों बाद आज नाश्ते पे आया है, उसे इंतजार कराना अच्छा नहीं होगा। मतलब कि मेरी वजह से मिस्टर मुराद को इंतजार करना पड़ेगा, यही ना? और मिस्टर मुराद वो तो किसी नवाबजादे से कम नहीं। ओह गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मुराद, नाश्ता बाहर लगा हुआ है। पता। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं, मैं दोरो को उठाने जा रहा हूँ। दोरो का आया है क्या? हाँ, और आते ही साहबजादे सोने चले गए, मैं उसे उठाने जा रहा हूँ। अगर वो रात को देर से आया है तो फिर उसे सोने दो। मुबारक हो, मुबारक हो अंकारा के विजेता, वेलकम बेटे, गले तो मिलो। तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? अंकारा में सब ठीक रहा, अब मिलानों की बारी है। हाँ, अरे आज तो तुम्हारी मीटिंग है ना मुराद? दोरू कहाँ है, उठा नहीं अब तक? सुबह ही तो आया है वो, कुछ देर सोने दो ना उसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ये तो हद है। जाकर उसे अभी उठाओ ताकि वो भी मीटिंग मेरे साथ। मैंने कहा उसे कुछ देर सोने दो। डरिया तुम हर बार उसकी तरफदारी क्यों करती रहती हो? एक दिन जल्दी उठ गया तो पहाड़ नहीं टूट जाएगा। अरे डिकरा रुक जा, एकदम सही वक्त पर आई हो। तुम्हारे पास जितना भी पिल्स है दवाई है मेरे को सब दे दो। फटी कांटी, क्या मैं आपको फार्मेसी का गोदाम नजर आती हूँ? मैं एक थकी हारी नर्स हूँ जो काम से आई है। समझ रही है ना? घर के अंदर लड़ाई हो रही है। अच्छा क्या हुआ? वो एमिनी आई थी ना। ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, मैंने भी उसको कहा था वेलकम और फिर पूछा कि कैसी हो डिकरा। माय डियर आंटी, फिर उन्होंने क्या कहा? वो चाहते हैं कि हयात घर वापस आ जाए। वो क्या है ना, हयात को अभी तक जॉब नहीं मिला ना, इसलिए उसको वापस ले जाएंगे। मतलब हयात की मॉम उसे वापस लेने आई है? ये नहीं हो सकता। क्या तुम चाय के अंदर नींद की दवाई डालकर पीती हो डिकरा? मैंने क्या कहा, अंदर झगड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है, तुम्हें अंदर जाकर झगड़ा रोकना होगा। जाओ। चलो। मुझे अपने से दूर नहीं करना चाहती तो मुझे कॉलेज क्यों भेजा आपने? तुमने कॉलेज जाकर क्या पढ़ाई की? हाँ, एक्वा कल्चर। बाय द वे आप कैसी है आंटी? हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आंटी प्लीज मॉम को कुछ समझाइए ना, इन्हें अभी भी लगता है मैं बच्ची हूँ और ये मुझे वापस लेकर जा रही है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं कुछ नहीं कर रही, उसके पापा ने जो मुझसे करने के लिए कहा वो मैंने किया, उन्होंने कहा बस बहुत हो गया। आप समझ नहीं रही है, मेरे आज दो दो इंटरव्यूज है। तुम्हारे पापा ने ये भी कहा है अगर तुम्हें आज जॉब नहीं मिली तो मैं तुम्हें पकड़ कर अपने साथ घर ले आऊँ, तैयार रहना। पर आंटी रिजर्वेशन तो अभी करना होगा, नाश्ते के बाद भी कर सकते हैं। वाह कैसी दोस्त हो तुम। तो मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हें लगता है इस्तांबुल में जॉब मिलना आसान है? तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम ये क्यों कह रही हो, मतलब जिंदगी में क्या होगा कोई नहीं जानता। मैं हयात हूँ और मुझे पता है आगे क्या होगा, और मॉम मैं अडल्ट हो गई हूँ तो प्लीज आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती हैं। हाँ। तुम्हारे पापा ने ये भी कहा है कि अब से वो तुम्हें पैसे नहीं भेजेंगे है? अब मैं भी देखती हूँ ये आराम की जिंदगी कितने दिन चलती है तुम्हारी। वो इधर भूखी क्यों रहेगी, मैं हूँ ना, मैं तो उसके लिए खाना पका ही सकती हूँ। फौजी तुम इन लड़कियों को भड़काना बंद करो, वो तुम पर हमेशा भरोसा करती है और तुम बकवास करती हो। सुनो ये तुम्हारा आखिरी दिन है यहाँ पर, समझ गई ना? तुम्हें आज ही जॉब ढूंढना होगा वरना वापस चलना होगा, समझ गए? ये मैं नहीं कह रही, उसके पापा ने कहा है, मैंने कुछ नहीं किया।
आज बहुत दिनों बाद हम साथ बैठे हैं, तो मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूंगा। मैंने रिटायर होने का फैसला लिया है। हाँ डियर, मैं कभी कभार ऑफिस जाऊंगा और 6 महीने बाद मैं अपने काम को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर दूंगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि 6 महीने के बाद आखिर क्या होने वाला है। मैंने फैसला लिया है कि तुम दोनों की काबिलियत पे डिपेंड करेगा कि कंपनी कौन मैनेज करेगा। पर ऐसा करने की जरूरत नहीं है, दोरुक और मैं कंपनी को अच्छी तरह संभाल लेंगे। बिल्कुल सही कहा। एक कंपनी में एक ही मैनेजर होता है मुराद, भाइयों के बीच अक्सर मतभेद होते रहते हैं। अगर तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ तो कंपनी के डिसीजंस कौन लेगा? हाँ पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक कंपनी में एक मैनेजर होगा और वो तुम हो गए भाई। और मैं अपनी लाइफ में वापस जाऊंगा जो कि जबरदस्त है। ये मजाक करने का वक्त नहीं है दोरुक, तुम्हारे पापा बड़ी सीरियस बात कर रहे हैं ना। तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारे पापा ने जीरो से ये सब बनाया तुम दोनों बच्चों के लिए, तुम भी आगे चलकर अपने बच्चों के लिए बनाना। जब हम बच्चों की बात कर ही रहे हैं, प्लीज तो प्लीज माँ अब बस करो, फिर से शुरू मत हो जाओ। अगर हम बच्चे और नाती पोतों की बात करना शुरू करेंगे तो हमारे बातों का कोई अंत नहीं होगा। मुझे भी यही लगता है दादी जान, और हमें देर भी हो रही है, चले तो रुक। भाई आप चलिए ना, मैं वादा करता हूँ कि ये फ्रूट सलाद खत्म करके मैं पक्का आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है मैं चलता हूँ। क्या हो, गाड़ी क्यों रुक गई? शायद इंजन गर्म हो गया। तो अब क्या करेंगे? देखते हैं, चेक करने दो। टैक्सी। क्या हुआ कैरम? पानी खत्म हो गया। क्या हुआ? पानी खत्म। तो पानी डालो और चलो, इसके ठंडा होने तक रुकना पड़ेगा। मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस से दूसरी कार मंगा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट होगा, मैं टैक्सी ले लेता हूँ। घर से बाहर ही क्यों निकलते हो? हर किसी को आज टैक्सी लेनी है, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, अगर मैं नहीं पहुंच पाई तो मुझे घर वापस जाना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नाम की भी कोई चीज नहीं है, हर कोई टैक्सी थोड़ी अफोर्ड कर सकता है। टैक्सी, एक भी टैक्सी नहीं मिल रही। टैक्सी, टैक्सी। कहाँ जाओगे जाने मन? जहन्नुम में जाने, क्यों चलेगा क्या? अब चल कार निकाल यहाँ से, वरना जुबान के साथ साथ हाथ भी चलाना पड़ेगा मुझे। निकल, जाने मन बोलता है, बदतमीज कहेगा, मोटा कर दूंगी मैं तेरा। टैक्सी खाली है? हाँ हाँ बिल्कुल खाली है, मैंने कुछ ऑर्डर दिया है वो ले आता हूँ। ठीक है ठीक है, मैं दरवाजा बंद कर लूंगी, जल्दी चलो। ये मेरी टैक्सी है। अच्छी बात है, पर मैंने कब पूछा टैक्सी किसकी है? अब चलोगे या नहीं? नहीं आप गलत समझ रही हैं, दरअसल सर आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, अब चलें हम। मैडम चलकर जाइए, टैक्सी में मैं बैठूंगा। अच्छा ऐसा है, लेकिन आपके ड्राइव किए बिना ये टैक्सी आगे कैसे जाएगी? वही समझा रहा हूँ, मैं टैक्सी नहीं चलाता, मैं पैसेंजर हूँ। लेकिन अब नहीं हो। लेकिन क्यों? क्योंकि
मुझे बहुत जरूरी काम है, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। मुझे भी जरूरी काम है, हम टैक्सी शेयर कर लेते हैं, आप मुझे ड्रॉप करिए और फिर आगे चले जाइए। सवाल ही नहीं उठता, किसी अनजान आदमी के साथ मैं टैक्सी शेयर करके क्यों जाऊं? आप ड्राइवर को जानती हैं? नहीं। तो उसके साथ टैक्सी में कैसे बैठेंगी? वो बात अलग है, तुम समझ नहीं रहे हो। तो समझाइए। अच्छा ठीक है, तुम्हारे साथ जाने से तो अच्छा ही है कि मैं पैदल ही चली जाऊं। दो अनजान लोग हैं, आप ड्राइवर को फिर भूल गई। ठीक तो है? इंसानियत के नाम पे धब्बा, अकड़ू बास, बेरहमी के पुतले कहीं के जो करना है वो करो। अकड़ूबाज और बेरहमी का पुतला। चलिए आप बैठिए, कहाँ जाना है आपको? सारथे बिल्डिंग पता है ना, लेवेंथ में जो है। जी हाँ भाई। कॉल लीजिए या साइलेंट कीजिए, ये बहुत इरिटेटिंग है। मैं भी कब से यही कहना चाह रहा था। पर वो मेरा फोन नहीं है। मेरा भी नहीं है। शायद ये उसी लड़की का फोन है। गाड़ी उसके पीछे लो, उसे फोन देते हैं फिर चलते हैं। ठीक है। ऐसा लगता है पूरे शहर के लोग आज मुझे बेवकूफ बनाने निकले हैं। सबने सोचा होगा देखते कौन हयात को पागल बनाएगा। मैं ही मिली थी क्या सबको, वो भी इस इम्पोर्टेंट दिन पर। वो आदमी क्या बोल के गया, आप ड्राइवर को जानती है? हाँ बिल्कुल, मैं उसको जानती हूँ, वो मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है। कितना बेशरम आदमी था वो, दोपहरा मेरे सामने आया ना तो। सुनिए मिस, प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्या? ओह नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे हाथ में क्या है? फोन है। ओह अब समझ में आया, तुम मेरा फोन नंबर लेने आए। देखो बहुत हो गया, आप फिर से गलत समझ रही हैं मैडम, मुझे भी गुस्सा आ सकता है। क्या गलत समझा है मैंने? क्या गलत समझा? ऊपर से कह रहे हो मुझे भी गुस्सा आ सकता है। कितने बेशरम हो, बहाने से फोन नंबर लेने आए हो। गया तुम्हारा फोन। ये क्या किया? तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाई है, समझ गए? Have a nice day. Did it stop? मेरी नजर कैद खत्म करके मुझे बाइज्जत बरी कीजिए माँ। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो निजात? तुमने दोनों भाइयों के बीच फुलझड़ी जलाई है, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है। उन्हें लड़ने पे मजबूर कर रहे हो तुम। बेफिजूल की बातें हैं, मेरे बेटे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुम्हारे बेटे कुछ नहीं करेंगे, पर तुम्हारी बीवी जरूर करवाएगी। उफ, उफ। आपको उसके साथ क्या प्रॉब्लम है मुझे कभी समझ में नहीं आया। मुझे देरिया के साथ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना कभी होने वाली है। दरअसल उसे हमसे प्रॉब्लम है।
अब ये हम कौन है प्लीज बताइए, क्या दरिया हमारे खानदान का हिस्सा नहीं है? हम सरसिमाज खानदान हैं और वो हमें बर्बाद करने आई एक फौज है। अच्छा, तो आपका मतलब है इसका अंत जंग के मैदान में होगा? तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही है, पर याद रखना, मुराद कंपनी का मैनेजर बना तो तीसरा महायुद्ध छिड़ जाएगा, तीसरा महायुद्ध। माँ सुनो, मुराद और डोरुक हमेशा मेरे लिए एक हैं, हाँ? पर आप जानती हैं, डोरुक बिना सोचे समझे कुछ भी कभी भी कर देता है। वो सिर्फ लड़कियों के बारे में सोचता रहता है। अगर उसे मैनेजर बनना है तो उसे जिम्मेदारी लेनी होगी। हम दोनों जानते हैं आखिरकार मुराद ही कंपनी का मैनेजर बनेगा। वेलकम मिस्टर मुराद। रिपोर्ट ठीक 4 बजे डेस्क पर चाहिए। रिपोर्ट सेट 4। मिलानो ग्रुप से हमारी मीटिंग होने वाली थी, क्या वो तैयार है? वो तैयार है सर, पर शायद उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है सर। क्या हुआ? उन्होंने 5 मिनट पहले कॉल करके कहा कि वो लेट हो जाएंगे। पर मीटिंग तो 10 मिनट बाद है। यस सर, उन्होंने कहा उन्हें 1 घंटा लग सकता है। मीटिंग कैंसिल करो और उन्हें इन्फॉर्म मत करो। मीटिंग कैंसिल करो और उन्हें इन्फॉर्म मत करो। क्या कहा आपने सर? जब वो यहाँ पहुँचेंगे तब उन्हें इन्फॉर्म करना, ताकि वो दूसरों के वक्त की कदर करना सीख जाए। मिलानो मीटिंग कैंसिल हो गई है, बॉस बहुत गुस्से में है। ये लिफ्ट स्लो क्यों हो गई है? सर कल से ही ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, डोंट वरी ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ, वरना इसी लिफ्ट से उतर के चली जाना। बॉस बहुत गुस्से में है, मैं तो गई। कैटलॉग शूटिंग की क्या खबर है, काम शुरू हो गया? शुरू हो गया सर, वो स्केड्यूल के लिए जा रहे हैं। देखते हैं क्या शुरू हुआ है। उठाया नहीं, जॉब मिल गया क्या? रुको, आश का भी कॉल आ रहा है, उसे भी ऐड करती हूँ। हयात क्या हुआ, मैं जाने के लिए मरी जा रही हूँ, प्लीज कह दो तुम्हें जॉब मिल गई। मान भी जाओ, ये नहीं होने वाला, हम तुम्हें एयरपोर्ट पे बाय कहने आ जाएंगे। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कचरे के डिब्बे में अपना फोन ढूंढ रही थी, इंटरव्यू में नहीं जा पाई। मतलब तुम मासलाक इंटरव्यू गई ही नहीं? यार रिपेक, मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ, मुझे टाइम से टैक्सी भी नहीं मिल पाई, और फिर एक बहुत ही बदतमीज आदमी की वजह से मैंने अपना फोन कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। क्या कह रही हो, तुमने अपना फोन फेंक क्यों दिया? नया तो था ना, उसे यूज करना था। देखो तुम गलत समझ रही हो, मैं मिलकर सब बताती हूँ, तुम भी उसे देखती ना तो समझ जाती वो कितना अकड़ू है। अकड़ू है तो कोई बात नहीं, पर क्या हैंडसम था? अगर हाँ तो टेक नोट, अगर किसी हैंडसम लड़के से मिलते हो तो उसे अपना नंबर दे देना चाहिए, ना कि अपना फोन कचरे में फेंकना चाहिए। मुझे अच्छे से पता है मुझे उसे क्या देना अगर अगली बार मैं उसे मिली तो। क्यों, ऐसा क्या देने वाली हो? जो उसे मिलना चाहिए। चलो छोड़ो, मैं फोन रखती हूँ, पहला नहीं तो दूसरा इंटरव्यू तो दे दूँ। दूसरा कौन सा है? साठे टेक्सटाइल में एडवाइजर ऑफिसर की पोस्ट के लिए। बैक प्रिंट दिख रहा है, उसे छुपाने की कोशिश क्यों नहीं करते? राइट हैंड नीचे गिरा हुआ है, नेक को भी ठीक करने की जरूरत है। लेकिन हम मिसेस डायडम के मेकअप के लिए रुके हैं। वो तो कभी खत्म नहीं होगा, तुम जाओ। क्या प्रॉब्लम है दीदी? मेरी चिन लेफ्ट साइड से ग्लो कर रही है ना। मेरा बस चले तो इसके चिन के टुकड़े टुकड़े करके रख दो। ओ मेरी प्यारी, तुम्हारा चेहरा कितना खूबसूरत है, कोई भी तुम्हारे चिन की ओर बिल्कुल भी नहीं देखेगा, सच्ची।
मेरा खाना ग्लूटेन फ्री तो है ना? खाने की टेंशन मत लो, आप काम पे ध्यान दो। ठीक है। ओके। तो शुरू करें। बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ बेबी? मेरी लिटिल फिंगर का पॉलिश खराब हो गया है। वो हमारे लिए काले टीके की जैसा है, नजर नहीं लगी। ठीक है ठीक है, शुरू करते हैं। वेरी नाइस। मुराद, वेलकम डार्लिंग। अपने काम पर ध्यान दो प्लीज। मेरा बस चले तो इसका नाक मुंह दांत सब तोड़ के रख दो। इसका ड्रामा कभी बंद ही नहीं होता है। ओ हाय, वेलकम मुराद। काम कैसा चल रहा है तुवाल? एक बार शुरू होगा तब तो पता चलेगा। डेकोर कैसा लगा मिस्टर मुराद? थीम क्या है? थीम ये है, मिसेस डायडम एक यंग वुमन है, वो पार्टी में जा रही हैं और वो हमारा ड्रेस पहनती है। वो काउच पर क्यों बैठी है? मैं समझा नहीं। अगर वो पार्टी में जा रही है तो वो काउच पर क्यों बैठी है? सरदार। यस मिस्टर मुराद। दिदम काउच पर क्यों है? क्योंकि मेरे लेटे हुए पिक्चर्स अच्छे आते हैं। हम यहाँ हमारे ड्रेस की मार्केटिंग कर रहे हैं, दिदम की नहीं। काम पर ध्यान दो। आप सही कह रहे हैं, हम भी ये बात जानते हैं। बड़ी समझदार। जो जरूरी है वो करना। क्या वो मेरे बारे में कुछ बुरा बोलकर गए हैं? उन्होंने तो बस यही कहा कि हो सके तो अपने काम पर ज्यादा ध्यान दो। मुझे यकीन है हमें किसी की नजर लग गई है। हर कोई मुराद के ख्वाब देखता है, सब जलते हैं क्योंकि वो मेरे साथ है। ओह, मुराद तुम्हारे साथ रिलेशन में है क्या? हाँ, हम वीक में 5 बार मिलते हैं। हाँ, तुम जरूर उससे 5 बार मिलती होगी क्योंकि तुम दोनों एक ही कंपनी में हो। नहीं, हम साथ में लंच करने जाते हैं और घूमते भी हैं। वाओ, सही है। ओहो ट्वाल, तुम्हें तो पता है ना मैं उसके साथ ही रहती हूँ। वो मेरे मैसेजेस के जवाब देता है और मेरा कॉल भी उठाता है। क्योंकि वो वेल मैनर्ड है इसीलिए तुम्हारे कॉल्स का जवाब देना जरूरी समझता है। ज्यादा उड़ो मत। अगर मैं मुराद के साथ रिलेशनशिप में नहीं हूं तो ये सब क्या है? तुम्हारा वक्त अच्छा चल रहा है क्योंकि मुराद को अच्छे काम के अलावा किसी चीज की कोई परवाह नहीं। देखो ट्वाल, अगर मैंने कहा है कि मैं किसी के साथ हूं तो वो सच है, अगर नहीं हूं तो वो सच कर देती हूं। मैं जो चाहती हूं उसे हासिल करती हूं, समझी? नहीं समझी, क्योंकि तुम जैसा कह रही हो मुराद वैसा बिल्कुल भी नहीं। मुराद हो या कोई सुरात हो, है तो मर्द ही ना। है तो मर्द ही। आपने सबको जल्दी घर भेज दिया। मैं मिलानो टीम एक्सपेक्ट कर रहा था पर लंच में ले। मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी। ओह, मुराद सारसिलमाज फिर से नाराज हो गए। आज का दिन तो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही खास था, और तो और ये सब कम था जो पापा ने फोन करके उनके दोस्त मिस्टर कमाल की बेटी को कागला के असिस्टेंट की जॉब देने के लिए कह दिया है। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? उसके पापा का कहना है कि हमें उसे बढ़ावा देना होगा ताकि वो बिजनेस सीख सके। तो तुम जैसे हो वैसे ही रहो, वही उसके लिए काफी है। ये प्रोफेशनल नहीं होगा और मैं इस तरीके से बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता हूं। बहुत खूबसूरत है क्या? ओह थैंक्स कागला। आपकी कॉफी मिस्टर मुराद, और ये आपकी कॉफी। थैंक यू। तो यही वो जेल है जहां तुम्हारे पापा तुम्हें भेजना चाहते हैं? हाँ डार्लिंग, ये बस नाटक है। मैं बस मिलूंगी और चली जाऊंगी।
पापा से कह दूंगी डील पक्की नहीं हुई और मुझे जॉब नहीं मिला। पर तुम्हारे पास पहले से ही पहचान है, तुम्हें जॉब तो मिल ही जाएगा। हाँ, लेकिन मैं जॉब करना ही नहीं चाहती ना। मैं अब तक सिर्फ अपने पापा के हिसाब से जीती रही हूँ। उन्होंने कहा इसलिए मैंने 4 भाषाएं भी सीख ली हैं। लेकिन अब बहुत हो गया, मैं अब अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। तो तुम अपने पापा को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देती सुना? अगर मैंने उन्हें सच बता दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बस उनसे ये कह दूंगी कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे करना चाहती हूँ, दुनिया घूमना चाहती हूँ, और क्या। सही कहा। वो हमें कभी नहीं समझेंगे और समझ गए तभी जाने नहीं देंगे। डोंट वरी, मैं उन्हें संभाल लूंगी। यस सर। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। और मैं भी। 4th फ्लोर पे चले जाइए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। उस कॉन्टैक्ट वाली का नाम सुना पेटकस है। मैंने इस पोजीशन के लिए बहुत मेहनत की है और मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो कॉन्टैक्ट से सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। तुम सही कह रही हो कैगला। और इतना ही नहीं, वो आकर अपने पापा के पैसों का रौब भी दिखाएगी हमें। हम अब तक 4th फ्लोर पर नहीं पहुंचे, राइट? यहाँ की लिफ्ट स्लो है क्या? लिफ्ट खराब है, आज ठीक हो जाएगी। मिस्टर मुराद को तो ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। असली बात तो अब पता चली है। उसके पापा ने कहा है कि मिस्टर मुराद जो चाहे वो कर सकते हैं, उसकी लाइफ मिजरेबल बना देंगे। मुझे तो उस लड़की के लिए बहुत ही दुख हो रहा है। इंटरव्यू के लिए नहीं आ रही क्या? कर रहा है। हद है। क्या 4 languages? कौन सा स्कूल? मिशिगन यूनिवर्सिटी? ओह माय गॉड, इसने तो मास्टर्स डिग्री भी की है। क्या बात है, क्या 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 क्या, एक मिनट, जापानीज, रशियन, अरबिक और इंग्लिश। हो वो, इसे कॉन्टैक्ट की क्या जरूरत है, इसे तो आराम से जॉब मिल जाता। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने आई हूँ। ऑफ कोर्स, राइट में लास्ट डेस्क। ओके, थैंक यू। यू आर वेलकम। हाय मैम,
आई एम हियर फॉर द इंटरव्यू। मैं आप ही का वेट कर रही थी सुना। पैक्टर्स, आप बिल्कुल सही टाइम पर आई हैं। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही। सही समझ रही हूँ। मिस्टर निजात ने खास इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तुम्हें मेरी असिस्टेंट बनने का मौका मिला है, पर उन्हें बाहर जाना पड़ा। जरा इन डॉक्यूमेंट्स पर अपनी इन्फॉर्मेशन भर दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कीजिए और कल से वक्त पर आना। क्या कल? तुम क्या नेक्स्ट वीक से शुरुआत करना चाहती हो? मतलब? मतलब कि तुम्हें जॉब पसंद नहीं? नहीं, पसंद तो बहुत आई, लेकिन क्या 3000? ये स्टार्टिंग के लिए है। ओके, हाँ बोलो। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। सी यू टुमारो, बाय। एक मिनट। हे, ये सैलरी तो बहुत है, लेकिन ये मेरा नाम नहीं है। अब मैं क्या करूँ? तुम यहाँ भी पहुँच गए। मैं भी यही सवाल कर सकता हूँ। एक बात सुन लो, अगर तुम मेरा पीछा पीछा कर रहे हो ना, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। मैं यहाँ पर काम करता हूँ। वाह, बड़ा ही अजीब इत्तेफाक है। मुझे सेकंड फ्लोर पर जाना है। उम्मीद करता हूँ किसी अनजान के साथ लिफ्ट में जाने से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कौन से यूनिट में काम करती हैं आप? तुम्हें उससे क्या मतलब? इससे पहले देखा नहीं, इसलिए पूछा। मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर की असिस्टेंट हूँ, आज ही जॉब मिला है। तो वो तुम हो? क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुम जरूर बॉस के नौकर वॉकर होगे। ऐसा ही समझ लो। अच्छा है कि तुम्हें अपनी औकात पता है। अब ये क्यों रुक गई? शायद खराब हो गई। खराब तो हो सकती है, लेकिन क्या ऐसे आज ही खराब होना था? मैं वैसे ही लेट हूँ, पता नहीं आज क्या होगा। मैं तो एक नौकर हूँ, मुझे लिफ्ट के बारे में क्या पता। बाहर निकालो, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। कुछ करो, जल्दी कुछ करो, मैं मर जाऊंगी। हाँ, जल्दी कुछ करो। सच में मर जाओगी? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे सच में सांस नहीं आ रही है। प्लीज कुछ करो, मेरी मदद करो। मैं अच्छा सुनो, मुझे पता है क्लॉस्ट्रोफोबिया में क्या करते हैं, पर गुस्सा मत होना। देखो, जो करना है वो करो, लेकिन जो करना है जल्दी करो, प्लीज, मेरी जान चली जाएगी। शांत हो जाओ। Aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inan. Sağım solum kötü kadın, sıkıldım beni yatın şu gıybet yolunda. Yalancının mumu söner, hikaye vardı neydi la la la. Aşk bu belli mi olur? Döner beni bulur. Hayat benim değil mi? Laftan anlamaz.